कोविड संक्रमण के चलते शहर पुलिस ने नागरिकों से गणेशोत्सव को संयम से मनाने की अपील की है। 22 अगस्त से शुरू हो रहे गणेशोत्सव के साथ त्योहारों का मौसम समारंभ होने जा रहा है। रामटेक तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में 20 अगस्त को 3 पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें मंसर में एक पुरुष, आसोली में वृद्ध महिला और रामटेक के तिलकवाड़ का एक युवक है। कोविड महामारी प्रतिबंधात्मक कानून के तहत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के आदेश का उल्लंघन करने पर सेवन स्टार हॉस्पिटल के प्रबंधन के खिलाफ नंदनवन पुलिस ने गुरुवार को मामला दर्ज किया है। गुरुवार को हुई मनपा की ऑनलाइन सर्वसाधारण सभा में कई नगर सेवक मोबाइल को म्यूट किए बगैर हेलो हेलो करते रहे। इस वजह से अनचाहा हंगामा निर्माण होने के चलते महापौर संदीप जोशी ने सभागृह का कामकाज शुक्रवार तक स्थगित कर दिया। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के आदेश के खिलाफ विविध व्यापारिक संगठनों ने 19 अगस्त को नागपुर बंद आंदोलन किया। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में विविध व्यापारिक संगठनों ने एकजुट होकर आयुक्त से आदेश वापस लेने की अपील की। इसके बाद भी आयुक्त यदि आदेश वापस नहीं लेते हैं तो आगे व्यापारियों द्वारा दुकानें बेमुदत बंद रखने की चेतावनी इन संगठनों ने दी है। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के बीच एक चौंकाने वाला प्रकरण सामने आया। 13 अगस्त को टेस्ट कराने वाले एक व्यापारी को 18 अगस्त को आरोग्य सेतु ऐप से पता चला कि वह पॉजिटिव है। टेस्ट के 5 दिन बाद हुए खुलासे से उनके परिवार में हड़कंप मच गया। इमामवाड़ा के गुंडों ने बुधवार की रात परिसर में जमकर आतंक मचाया। उन्होंने रामबाग मार्ग पर एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस वारदात से परिसर में दहशत निर्माण हुई। गुरुवार को जिले में नए 989 कोविड संक्रमित मिले। इनमें 872 संक्रमित नागपुर शहर के हैं, वहीं 117 संक्रमित ग्रामीण इलाके के हैं। इसी के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या अब 17,722 पर पहुंच चुकी है। इनमें ग्रामीणों के 4,330 और शहर के 13,392 संक्रमित शामिल है। पति और बच्चों को मारने के बाद खुदकुशी करने वाली चिकित्सक सुषमा राणे के प्रकरण में नित नए खुलासे हो रहे। अब तक की जांच में राणे दंपति के रिश्ते काफी समय से खराब होने का पता चला है। देश के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले स्वच्छ शहरों में नागपुर 18वें स्थान पर रहा। नागपुर ने इस साल सर्वेक्षण में ऊंची छलांग लगाई है। केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान प्रतियोगिता का परिणाम गुरुवार को घोषित किए। राज्य स्तर पर देखो तो शहर ने 5वां स्थान हासिल किया है।